जब भी हम इस ब्रह्मांड की रहस्यों के बारे में विचार करते हैं तो हमारा पहला विचार होता है कि क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसा भी ग्रह है जहाँ पे जीवन हो सकता है, जहाँ जीवन या तो रहा होगा या भविष्य में हो सकता है, या इस ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। विज्ञानियों के लिए ये हमेशा ही एक आकर्षक विषय रहा है और हमारे वर्तमान टेक्नोलॉजी के द्वारा किए गए खोजों से पता चलता है कि ब्रह्मांड में ऐसे भी ग्रह मौजूद है जिस पे या तो जीवन रहा होगा या जीवन पनपने की संभावना है। आज हम एक ऐसी ग्रहों के बारे में जानेंगे जिस पे कभी पृथ्वी की तरह ही जीवन की अनुकूल रहा होगा या भविष्य में जीवन शुरू करने के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। मंगल ग्रह के बारे में तो आप जाने ही होंगे। मंगल ग्रह जो पृथ्वी के आकार से आधा है, फिर भी ये पृथ्वी की तरह कुछ समानता प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से विज्ञानियों की उत्सुकता मंगल ग्रह में बनी हुई है, जो वहां पर जीवन की होने का संभावनाएं को प्रदर्शित करता है। ये विचार काफी रोचक लगता है कि मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है। इस कारण बीते कुछ दशकों में विज्ञानियों के द्वारा इस ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सबसे ज्यादा कोशिश हुआ है। सन 1877 में इटली की खगोल वैज्ञानिक सिया पर्नेल ने मंगल ग्रह की चमकदार क्षेत्र में आरी रेखा का एक सघन जाल देखा है। उन्होंने उसका नाम केनाइल रखा। इटली भाषा में केनाइल का मतलब होता है खाचे या नालिया और इंग्लिश में इस बात का मतलब केनाइल यानी नहर दिया गया। तभी से विज्ञानियों के लिए ये एक रहस्य का विषय बना हुआ है कि आखिर इन नहरों को किसने बनाया और कैसे बनाया। क्या मंगल ग्रह में बनी नहरें प्राकृतिक रूप से बना हुआ है या मंगल ग्रह में कभी कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन रही होगी? क्या वर्तमान में भी मंगल ग्रह में ऐसी परिस्थितियां हैं जो मानव जीवन के लिए अनुकूल हो, या फिर भविष्य में कभी ऐसा घटना हो सकता है कि मंगल ग्रह पे मानव बस्ती बनाई जा सके? ये क्वेश्चन वैज्ञानिक जगत में काफी रोचक विषय बने हुए हैं और इसी क्वेश्चन का उत्तर जानने के लिए वैज्ञानियों के द्वारा मंगल ग्रह में कई सैटेलाइट भेजी गई जिसमें भारत का भी योगदान है। इन सैटेलाइट की मदद से मंगल ग्रह की नक्शे को अच्छी तरह से समझने में मदद मिली और मंगल ग्रह की कुछ रहस्यमय प्राकृतिक घटनाओं और कुछ विशेषताओं का पता चला है जो मंगल ग्रह की पास्ट या फ्यूचर में जीवन की होने की संभावनाओं को उजागर करता है। चलिए मंगल ग्रह की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं जो लगभग पृथ्वी के समान है और मानव जीवन के लिए उपयोगी भी। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन वही मंगल ग्रह पे एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, जो लगभग पृथ्वी के बराबर है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती है और पोलर आइस क्यूब बनती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंगल ग्रह भी अपनी रोटेशनल एक्सिस पर 25 डिग्री झुकी हुई है और इस पे भी मौसम बदलते रहते हैं और पोलर आइस क्यूब बनते हैं। मंगल ग्रह पे भी पृथ्वी की तरह गर्मी और ठंडी की मौसम होती है, जिसमें प्रत्येक का समय पृथ्वी की तरह 6 मंथ का होता है। मंगल ग्रह की वायुमंडल और भूविज्ञान पृथ्वी की वायुमंडल और भूविज्ञान से काफी मिलती है, जो इस पर जीवन की संभावनाओं को प्रबल करती है। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह की मिट्टी भी सिलिकेट से बनी हुई है। मंगल ग्रह की सबसे ऊंची ज्वालामुखी ओलंपस माउंट या ओलंपस पर्वत है, जो एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंची है, लेकिन अब वो ज्वालामुखी एक्टिव नहीं है। मंगल ग्रह की सतह पर बड़े बड़े घाटियां भी है। सैटेलाइट द्वारा भेजे गए तस्वीरों में द्वीप भी दिखाई पड़ती है। वहां नदी तल भी दिखाई पड़ती है जो लाखों करोड़ों साल से
सूखी पड़ी हुई है। मंगल की सतहों की इन विशेषताओं से पता चलता है कि अतीत में वहाँ वायुमंडल और महासागर दोनों रहे होंगे। अमेरिका द्वारा भेजे गए वाइकिंग सियानों को इस बात का भी प्रमाण मिला है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी बहता था और वहाँ का वायुमंडल अभी के वायुमंडल से काफी अधिक डेंस था। यहाँ तक कि मंगल के वायुमंडल में बर्फ की बादल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लाल रंग की धूल है। फिर भी ये सब इतनी मात्रा में नहीं है कि सूरज की ऊष्मा को कैद कर सके। इसलिए मंगल एक बहुत ठंड ग्रह है। मंगल ग्रह की कुछ तस्वीरों से ये पता चलता है कि कभी वहाँ जीवन रहा होगा। हालांकि ये कहना बेहद मुश्किल है कि भविष्य में ये घटना दोबारा हो कि वहाँ मानव बस्तियाँ बसाई जा सके, क्योंकि मंगल ग्रह की वर्तमान परिस्थिति के मुताबिक वहाँ ठंड, अत्यधिक शुष्कता और थोड़ी सी ऑक्सीजन जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। और विज्ञानियों के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए वाइकिंग सियानों द्वारा परीक्षण में वर्तमान में जीवन की कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन विज्ञानियों को आशा है कि मंगल ग्रह की यह विशेषता कहीं ना कहीं जीवन की उपस्थिति के लिए सुगुण और सार्थक साबित हो सकता है और भविष्य में यह विशेषता मानव बस्ती बसाने के लिए अनुकूल हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपके जहन में क्या है, मुझे अगला वीडियो किसके बारे में बनाना चाहिए, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायों।